फ्रेंड्स, दिस इज उमेश शर्मा फ्रॉम कैटकैम सॉल्यूशन मेरठ। और आज हम लोग इस वाले पार्ट को बनाने वाले हैं और इसके अंदर हम लोग यूज़ करने वाले हैं कंबाइन प्रोजेक्शन। तो चलिए करते हैं इसे स्टार्ट। एक नई फाइल मैंने ओपन कर ली है और यहाँ से स्केच लेके इस प्लेन को, सॉरी, पहले इस वाले प्लेन से स्टार्ट करते हैं स्केच, क्योंकि दोनों व्यूज़ मुझे डिफरेंट प्लेन पर बनाने पड़ेंगे, इसलिए मैंने इसे चेंज कर लिया क्लिक और ओके। और जो स्टार्ट करना है वो ओरिजिन से स्टार्ट करना है। यहाँ से क्लिक करता हूँ, कुछ 1565 कुछ आ रहा है, क्लिक और एक आर्क ले लीजिए। और आर्क जो है कुछ इधर जाना चाहिए टेंजेंशियल, और फिर इधर से आर्क ये सेंटर से मैच हो गया है ना, तो इसे दोबारा से लेता हूँ, इसे क्लिक किया और आगे यहाँ पर रख के टेंजेंट मैच करा दिया। अब डायमेंशन ले लेते हैं और डायमेंशन में इसे डबल क्लिक करते हैं, ये है 50। और फिर इस रेडियस को डबल क्लिक करिए, ये है हमारा 60 का रेडियस, डबल क्लिक करते हैं 60। फिर इसे डबल क्लिक करिए, ये रेडियस भी 60। और फिर यहाँ से रैपिड से जाएंगे और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच का गैप है 147.5, ये गैप है, ये आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। इसके बाद मैं लेता हूँ ये लाइन और ये पॉइंट, इसके बीच का गैप ये है 50, क्लिक और क्लोज। अगर एक लेना चाहते हैं, फुल्ली कंस्ट्रेंट ऑलरेडी आ चुका है, फिर भी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो एक बार चेक कर लीजिए, ये गैप जो है हमारा 150 नहीं आ रहा, तो इसमें से एक को, किसी को मेरे को हटाना पड़ेगा। ये 50 मेरा ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ये, और इसको ले लेते हैं, ये मुझे चाहिए 150। ये 150 होना ज़रूरी है क्योंकि तभी प्रोजेक्शन उसके साथ मैच करने वाला है। फर्स्ट कर्व हो गया, इसे करिए फिनिश, फिर स्केच लेंगे और सेकंड वाले प्लेन पर जाके क्लिक करिएगा और ये रहा और ओके। और सेकंड वाला कर्व है मेरे पास ये वाला, तो इसके लिए मैं लेता हूँ यहाँ से और क्लिक, और थोड़ा बड़ा ही बना लीजिएगा ताकि छोटा ना रह जाए, और इन दोनों के बीच में क्लिक ही क्लिक हो जाएगा। और ये जो गैप है, ये गैप है 100 का, यहाँ पर देखिए गया था 100, इसे चेंज कर देते हैं 100, एंटर और क्लोज और मिनिमाइज़ करते हैं। ये जो रेडियस से डबल क्लिक करते हैं, ये रेडियस है 70, नाउ क्लोज, और टोटल हाइट है हमारी 150, जैसा हमने पिछली बार लिया था स्केच में। तो स्केच हमारा फुल्ली कंस्ट्रेंट हो चुका है, इसे करिए फिनिश। और फिर यहाँ से जाएंगे इंसर्ट में और ड्राइव कर्व के अंदर, ये रहा कंबाइंड प्रोजेक्शन। और कंबाइंड प्रोजेक्शन में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट कर्व मेरा ये है, क्लिक, सेकंड कर्व मेरा ये है, आप एक प्रीव्यू में देखिए, सामने से ऐसे दिख रहा है, इधर से मैच हो रहा है, तो दोनों का कंबाइन जो कर्व है वो आ गया है। इसे कर दीजिए हाइड, इस वाले को भी कर देते हैं हाइड। फिर लेना है हमें यहाँ से ट्यूब और क्लिक करेंगे, ट्यूब जो होना चाहिए 60 का और ओके। इसको करते हैं फिट, कुछ ऐसा आ गया है। और अब स्केच में जाएंगे, इस वाले प्लेन पे रेफरेंस ओरिएंट और क्लिक फिट। और यहाँ पे जाके मुझे चाहिए एक ट्रायंगल, उससे पहले एक सर्कल को लेता हूँ और सर्कल करेंगे, ये सर्कल है, इसे कर दीजिए प्रोजेक्ट। और फिर से एक सर्कल चाहिए, सर्कल का सेंटर है ये, और सर्कल है 50 का, ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका 50 वाला, ये भी मैं अभी बना लेता हूँ, एंटर। और फिर मेरे को चाहिए यहाँ से एक पॉलीगन जो कि है एक ट्रायंगल, और क्लिक करेंगे और कुछ 90 के एंगल पे, या 90 का एंगल लग के एंटर और क्लिक। अब यहाँ से फिलेट चाहिए, फिलेट ये थोड़ा जूम कर लीजिए, ये राउंड है 15 का और 50 सेंटर है इसका 50 पे, तो फिलेट लेंगे और 15 का रेडियस एंटर, 15 का फिलेट लगा देते हैं, 15 की फिलेट के बाद यहाँ से एक लाइन लेता हूँ और इससे इसके सेंटर से मिला देते हैं और क्लोज। और ये जो लाइन है, ये मेरी रेफरेंस लाइन है, इसे क्लिक करके रेफरेंस में कन्वर्ट करिए। और ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, इन्हें कर दीजिए वर्टिकली अलाइन, और इस लाइन को, ये जो लाइन है, इसे क्लिक करिए और इसे कर देते हैं हॉरिजॉन्टल। अब डायमेंशन लेते हैं, और ये जो लाइन है इसकी डायमेंशन 50, और ये जो सेंटर है
और ये सेंटर है, इसके बीच में जाती है, ये भी 50 है और क्लोज। और यहाँ से जाता हूँ और इक्वल डिस्टेंस मिलते हैं, इक्वल डिस्टेंस ऑलरेडी हो चुका है तो अब जरूरत नहीं पड़ेगी शार्ट। एक बार और शार्ट लगाया तो देख लेते हैं, ये और ये इक्वल ऑलरेडी इक्वल है इसलिए हटा दीजिए इसमें। तो ये हमारा पूरा बन गया। अब सर्किल लेते हैं और सर्किल है 15 का डाया, यहाँ पर क्लिक करिए 15। ये तीन सर्किल मैंने बना दिए 15 के डायमीटर का, इसे फिनिश कर दीजिए। और अब इसे करना है एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड करना है बाहर वाला और ये सर्कल, ये पूरा कनेक्ट कर, ये सर्कल, ये सर्कल और ये सर्कल, और ये पूरा का पूरा जाना चाहिए रिवर्स में। और इसकी थिकनेस है 15, आप कर दीजिए 15 और यूनाइट और ओके। ये हमारा बन के आ गया है। और एक हमारे पास जो कर्व था स्केच कंबाइन वाला, ये मुझे चाहिए, इसे मैंने लिया यहाँ से। और इस बार है 50 का और सब्सट्रैक्ट होना चाहिए और ओके। कुछ इस टाइप से आ गया, हल्का सा एक यहाँ पे चैम्फर है और फिलेट है, उसको देखते हैं। अब इस स्केच को मैं हाइड कर देता हूँ और यहाँ से चैम्फर लेते हैं और क्लिक। 3 का चैम्फर चाहिए, चैम्फर हो गया। और इधर की तरफ फिलेट बना हुआ था तो एच फिलेट लेते हैं और क्लिक करिए, 15 का ही फिलेट है, कुछ इस टाइप से आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, वो आपको ट्विटर प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। इसे कुछ कलर अप्लाई कर देता हूँ मैं, क्लिक ओके। और कुछ ब्लैक से ही ले लेते हैं क्योंकि ब्लैक शेडिंग में ही होते हैं अधिकतर इस टाइप के पाइप, और ट्रू शेडिंग में ले लेते हैं। और ये जो है ये मुझे चाहिए नहीं तो इसको आप हाइड कर दीजिए। और यहाँ से हमारे पास काफ़ी सारे ब्लैक के कलर हैं, जो भी आपको लगता है सूटेबल आप वो रख लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे नए ट्यूटोरियल साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।